ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स, सर्कुलेशन। अभी हमने पढ़ा था लास्ट जो था, लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि बॉडी फ्लूइड में ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो उसमें क्या रहता है और वो कैसे होते हैं। तो ओपन सर्कुलेशन में मैंने आपको बताया था कि साइनसेस में फ्लो होता है, जबकि क्लोज सर्कुलेशन में जो है मैंने आपको बताया था कि देर इज अ सिस्टम इन विच ब्लड फ्लोज इन टू द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड वेजल्स। ओके, सो ओके, तो क्लोज सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो ब्लड रहता है उसका फ्लो जो है हमने देखा था कि क्लोज स्ट्रक्चर में होता है, जैसे कि एक जो है मेन जो आर्टरी रहती है वो एक बड़ी आर्टरी रहती है, बड़ी ब्रांच में से निकलती है, उसको कहते हैं एओर्टा, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गेन जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है उसमें से निकलती है, उसको कहा गया है हार्ट, उस ऑर्गेन को कहा गया है हार्ट। ठीक है, तो वो उसमें से जो है एक बड़ी आर्टरी निकलती है जिसको एओर्टिक आर्क कहते हैं। फिर जो आर्टरी जो वो ब्रांचेस रहती है उसको आर्टरी कहते हैं। फिर आर्टरी जो है डिफरेंट ऑर्गेन्स में स्मॉल ब्रांचेस देती है, उनको कहते हैं आर्टेरियोल्स। और आर्टरी जो है फर्दर वेरी वेरी स्मॉल ब्रांचेस बनाती हैं और उनको हम कहते हैं कैपिलरीज। ठीक है, ये हमने पढ़ा था क्लोज सर्कुलेशन में। वहीं जो वेन्स होती हैं, कैपिलरीज जो फर्दर हैं वो स्मॉल ब्रांचेस जिसको कहते हैं वेन्यूल्स उसमें कन्वर्ट होती हैं। फिर वो बनाती हैं वेन्यूल्स, वेन्स, वेन्यूल्स जो है वो बनाती हैं वेन्स, और वेन्स जो हैं फर्दर टू और थ्री ब्रांचेस बनाती हैं बड़ी। ठीक है, वेन्यूल्स जो है फर्दर एक बड़ी ब्रांच बनाती हैं जिसको हम कहते हैं वीना कावा। ठीक है, लाइक दिस इज वेना कावा। ठीक है, दीज आर वेन्स एंड दीज आर वेन्यूल्स। ओके, वेन्यूल्स। अब कैसा है कि ये वापस क्यों मैं आपको समझा रही हूँ स्ट्रक्चर, क्योंकि अब जो हम पढ़ने वाले हैं जो क्लोज सर्कुलेशन रहता है उसमें जो वेजल्स रहती हैं ब्लड वेसल्स वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टुडेज टॉपिक इज ब्लड वेसल्स, कि ये ब्लड वेसल किस टाइप की रहती है, क्या स्ट्रक्चर इनका रहता है, क्या स्पेशलिटी रहती है इनकी और क्या काम रहता है। ठीक है, क्लोज सर्कुलेशन का जो है कल मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में कि क्लोज सर्कुलेशन के क्या फायदे हैं, कि जो ब्लड प्रेशर रहता है वो रेगुलेट रहता है और जो ब्लड सप्लाई रहती है वो भी कंट्रोल्ड रहती है इसमें। ठीक है, और इफिशियंट ब्लड सप्लाई होती है। इफिशियंट ब्लड सप्लाई कैसे होती है कि जो आर्टरीज रहती हैं, आर्टरीज में जो कैपिलरी रहती हैं, कैपिलरी के पहले जो है प्री कैपिलरी जो है उसमें स्फिंक्टर्स रहती है, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स। तो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर का क्या काम रहता है कि वो किसी भी ऑर्गन में कितनी सप्लाई जानी चाहिए उसको वो मेंटेन करती है। क्या होता है कि कुछ कुछ तो थॉरो चैनल्स होते हैं जैसे कि ये, ठीक है, और कुछ जो ब्रांचेस रहती हैं
ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि कुछ चैनल्स जो हैं वो अलग हैं, और ये जो मैं व्हाइट चौक से दर्शाना चाह रही हूँ वो है स्फिंक्टर्स। ठीक है, दीज आर स्फिंक्टर्स, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स। तो ये जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर रहता है, इसका क्या काम रहता है कि ऑर्गेन्स में जो कैपिलरी की ब्लड सप्लाई सप्लाई रहती है, उसमें कुछ सप्लाई तो थ्रू फेयर चैनल्स के द्वारा होती है। थ्रू फेयर चैनल्स मतलब कि वो चैनल्स, वो सप्लाई जिसमें हमेशा ब्लड बना रहता है, हमेशा ब्लड फ्लो रहता है। लेकिन कुछ चैनल्स जो रहते हैं, कुछ वॉल्स, कुछ कैपिलरी जो रहती है, उसमें प्री कैपिलरी स्फिंक्टर होती है। अब ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर क्या है? तो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर जो है एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर रहता है कैपिलरी के पहले, कैपिलरी के डिवीजन होने से पहले आर्टरी में, और वहां पे एक ऐसा मसल का स्फिंक्टर रहता है जो कि क्लोज रहता है। ठीक है, जब ऑर्गेन को सप्लाई नहीं चाहिए तब वो क्लोज रहता है, लेकिन जब उस ऑर्गेन को ज्यादा सप्लाई चाहिए तो उस ऑर्गेन में सप्लाई बढ़ने लगती है, और वो जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर रहते हैं वो भी ओपन हो जाते हैं, और वो फिर उस ऑर्गेन में ज्यादा सप्लाई पहुंचने लगती है। ठीक है, इसका जो एप्लीकेशन है वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या वहां पे क्या वर्क करता है ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। तो इसका जो फंक्शन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल हम पढ़ रहे हैं ब्लड वेसल्स। तो इसमें दो जो वेसल्स हैं वो हैं आर्टरीज और वेन्स। तो हमारी बॉडी में जो दो मेन वेसल्स होती है वो होती हैं आर्टरीज और वेन्स। ठीक है, आर्टरीज और वेन्स के बारे में ज्यादातर जो आपने बुक्स में पढ़ा है अभी तक छोटी क्लासेस में, उसमें सिर्फ आपको इतना पता होगा कि भाई आर्टरीज में जो है वो रेड कलर का, ब्राइट कलर का, ब्राइट रेड कलर का ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड। वेन्स में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, अशुद्ध रक्त और फाउल ब्लड। ठीक है, ये हमने बहुत एकदम सुपरफिशियल लेवल पे स्मॉल क्लासेस में पढ़ा था, लेकिन अब जो है आर्टरीज और वेन्स का थोड़ा सा डिटेल हम पढ़ेंगे कि आर्टरीज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वेन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आर्टरीज का काम क्या होता है, वेन्स का क्या काम होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ये सारे टॉपिक्स जो है, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं आर्टरी। ठीक है, आर्टरी का स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ। आर्टरी जो है उसमें तीन स्ट्रक्चर, तीन पार्ट में डिवाइड किया है। ट्यूनिका एक्सटर्ना, फर्स्ट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना। एक्सटर्ना मतलब कि बाहर की तरफ, तो जो लेयर बाहर की तरफ होगी उसको कहेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका मीडिया, ठीक है, जो लेयर बीच में होगी उसको कहेंगे ट्यूनिका मीडिया। देन ट्यूनिका इंटरना, जो लेयर सबसे अंदर की तरफ होगी उसको कहेंगे ट्यूनिका इंटरना। तो यहां से मैं आपको सबसे पहले ट्यूनिका इंटरना के बारे में बताती हूँ। अंदर से स्टार्ट करते हैं, अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, ये जो है किसी भी आर्टरी का, ठीक है, ये किसी भी आर्टरी का जो है, यदि हम क्रॉस सेक्शन करेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, यहां से यदि हमने काटा आर्टरी को तो हमें कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा इसे सामने देखने पे। ठीक है, तो दिस इज सबसे पहले ट्यूनिका इंटरना। इंटरना मतलब जो सबसे अंदर की तरफ वॉल होती है उसको हम कहते हैं ट्यूनिका इंटरना।